हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर अनसेक्रेटेड पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि अभी जो हमारी लाइफ में नहीं रहे, यानी कि जो अब हमारे पूर्वज बन चुके हैं, वो आपको अब क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पायल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पायल है ये स्पाइडर, ब्लैक स्पाइडर, ओके, ब्लैक एंड वाइट, ओके। सेकेंड है सेंटीपेड, ओके, और थर्ड है लेडी बग, ओके। तो ये तीनों पायल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पायल चूज़ कर सकते हो। गाइस, जिनको पायल चूज़ करने में परेशानी आ रही है, उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पायल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पायल में से आपको कौन सी एक पायल दिखाई दे रही है, वही आपकी पायल रहेगी। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज किया स्पाइडर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनके पूर्वज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनके पूर्वज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंस्ट्रल पैटर्न। ओके, तो वो आपको कह रहे हैं गाइस, बाद में बता दे। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्ट। ओके, ड्रुइड, होल्ड द स्पेस। ओके, हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। नाइस, संदेश बहुत अच्छा आया है गाइस। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं गाइस कि अभी हाल फिलहाल जो आपके लाइफ में एक ही ढंग की पैटर्न चल रही है, उससे आप बाहर आ जाइए। एक ही ढंग की पैटर्न, या इसका मतलब ये होता है गाइस कि अभी भी आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। आप अपने पूर्वज के लिए कुछ ना कुछ नहीं कर रहे हो, तो करना सीखे और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखे, और उनके लिए जो कुछ भी करना होता है वो भी आपको करना सीखना पड़ेगा। ओके, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अभी जो आपने जो एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में जो चल रही है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना सीखे, और हमारे लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी हमारे लिए करना होता है वो प्लीज़ हमारे लिए कीजिए। वो आपको फर्स्ट संदेश ये दे रहे हैं। सेकंड संदेश आपको ये दे रहे हैं गाइस कि आप जो अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए। और जो दूसरे के साथ आपकी जो एक कम्युनिकेशन है, वो ठीक तरह से बिठाने की कोशिश कीजिए। वो आपको यही कह रहे हैं। ओके, मतलब कि बड़ों के साथ आप जब बात कर रहे हो, तब उनके साथ थोड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करना सीखिए। ओके, और आपको कहा जा रहा है, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि जब भी आपको लगे कि अभी थोड़ा पेशेंस बनाकर चलना चाहिए, धैर्य बनाकर चलना चाहिए, तब धैर्य बनाकर चलिए प्लीज़। ओके, थोड़ा इंतज़ार करिए। ओके, तो वो आपको कह रहे हैं गाइस कि
थोड़े अपने आप में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है और अपने आप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और सभी के साथ अच्छे बनिए। आपके पूर्वज आपको बहुत अच्छा संदेश दे रहे, बहुत ही संदेश दे रहे गाइस। वो आपको सभी के साथ अच्छी तरह से रहने के लिए भी कह रही है। वो आपको जब आपको लगे कि आप मुझे होल्ड करना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, तब आपको स्पेस भी देना है, वो ये भी कह रहे हैं गाइस। ओके, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको नए नए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, ओके, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सको। तो ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं गाइस। ओके, और हमारे पास से तो वो आपको बार बार ये भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गाइस, एक सूचना दे रहे हैं आपको कि जो आपने आगे जो गलती की है या फिर हमने जो गलती की है वो गलती आप दोहरा रहे हो, वो मत कीजिए। इसके लिए हमारे पास दो कार्ड आए हैं गाइस। ओके, तो वो आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जो हमने गलती की है वही गलती आप भी दोहरा रहे हो, वो मत कीजिए। आप संभल जाइए, आप समझदार बनिए, आप अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एक अंतर्मन की शक्ति है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप इस अर्थ के ऊपर क्यों आए हो, इसकी क्या अहमियत है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और अपने पूर्वजों को लेकर आप जो अभी भी घिसी पिटी वही पैटर्न यूज़ कर रहे हो वो बदलने की ज़रूरत है, वो आपको कह रहे हैं। ओके, और अभी भी आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो वो जल्दी चेंज करने के लिए आपको कह रहे हैं, और पूर्वजों के लिए जो कुछ भी करना होता है, ओके, तो वो आपने शायद नहीं किया हो तो वो भी आपको करने के लिए कह रहे हैं गाइस। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी, वो यही कह रहे हैं गाइस, और बहुत सारा प्यार और खुशी आपके लाइफ में आ जाएगी, बस आपको वो वही कह रहे हैं। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है डायरेक्शन गार्डियन। ओके, तो वो आपको कह रहे हैं कि जो आपको सही पाथ लगे उसी के ऊपर हिम्मत से आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, और हमारे लिए भी सही पाथ चूज़ कीजिए, वो ये भी कह रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है सेंटीपीड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि उनके पूर्वज उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड, डिवाइन यूनिवर्स, ओके, स्टार एंस्टर, ओके, सॉरी स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सॉल। ओके, तो स्टार सीड भी है। ओके, हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, अर्थ मदर, फील लव एंड कम्फर्टेड। ओके, नाइस। सी वुल्फ, ओके, अनलीस द वाइल्ड विथिन। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ओके, हाई प्रिस्ट, इंटेंड द क्रिएट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके,
तो गाइस, आपके इंसेस्टर यानी कि पूर्वज आपको संदेश दे रहे गाइस कि वो आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ही तेज़ तरीके से सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सारे आंसर दे रही है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो और आप अपने साथ बहुत ही रूखा और ख़राब बर्ताव कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करा रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको इससे बाहर निकलना है और पॉजिटिव बनना है। ओके, और आपके खुद के अंदर जो पावर है उसको आपको महसूस करना है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, और आप जो अपने आप के ऊपर भरोसा ना करते हुए इतने सारी एनर्जी को आप अवॉइड कर रहे हो, इसके लिए भी आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं गाइस कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए और इस नेगेटिविटी से जल्दी बाहर निकलिए और पॉजिटिव हो जाइए। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएंगे और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप इस वजह से बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव कर जाएंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, और सक्सेस से सक्सेस मिलेगी। तो आपके पूर्वज आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं गाइस कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है, ओके, वो अभी तक नहीं किया है, तो वो भी वो आपको कह रहे हैं कि हमारे लिए कीजिए। और आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अब आप बस जो इस नेगेटिविटी में अभी चल रहे हो तो आपको अपने इंट्यूशन पावर की सुनने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको अपने सारे रास्ते मिल जाएंगे और आपके लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि हम आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं लेकिन आप में हमारे मैसेज नहीं सुन रहे, तो प्लीज़ हमारे मैसेज सुनने की कोशिश कीजिए जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिले। और आप किसी सिचुएशन में अभी फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप अपने दुश्मन को लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर जो अभी सह रहे हो उससे आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। ओके, फील करने की ज़रूरत है कि हम आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और आपके एंसेस्टर पूर्वज आपके साथ ही है, सपोर्ट ही कर रहे हैं गाइस। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक अपने पूर्वजों के लिए जो करना होता है वो नहीं किया है, तो वो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ किए तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ किए, डिवाइन बताइए कि उनके पूर्वज उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्शन एनर्जी।
माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड. वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट. ओके, तो गाइस मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइस. क्यों? क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो. साल में या 6 मंथ में हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी तक. ओके, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जो कुछ भी करना होता है वो आपको पता होगा गाइस, कि आपको अपने जो हमारे लाइफ में अभी नहीं रहे हैं, गुजर चुके हैं, उनके लिए हमें जो कुछ भी साध या जो कुछ भी करना होता है वो आपने शायद उनके लिए नहीं किया है. तो वो आपको कह रहे हैं गाइस कि आप हमारे लिए ये सब कुछ करोगे तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको. आपके लाइफ बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस बन जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी और आप बहुत ही खुश रहोगे और हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा. ओके, लेकिन अभी वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वो आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो. और फर्स्ट पाइल में भी यही था गाइस कि उनके पूर्वज के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके, और यहाँ भी यही है और वो आपको कह रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारे लिए थोड़ा बहुत करना है तो आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती ही जाएगी और आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे. ओके, और वो आपको ये भी कह रहे हैं गाइस कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है. इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि वो आपको हर पल आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपके साथ ही. ओके, तो उसके लिए भी उनको उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको थैंक्स कीजिए. ओके, और वो आपको कह रहे हैं गाइस कि बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ओके, तो वो आपको ये भी कह रहे हैं गाइस कि आपको डरे बिना हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना है और अपने लिए स्टैंड लेना है. ओके, और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना है. ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज है गाइस. ओके, जो लोग डरे सहमे से रह रहे हैं और अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी लाइफ की सारी सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपको आपका ध्यान रख रहे हैं, हम आपका ख्याल रख रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हिम्मत करते हुए आगे बढ़िए, फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे. आप आगे बढ़ने के लिए डर रहे हो, घबरा रहे हो तो ऐसा ना करिए. ओके, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी दुश्मन है वो आपके पूर्वज आपको यही कह रहे हैं कि उनके साथ भी आपको लड़ने की ज़रूरत है. ओके, और उनके साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आपको बैठे नहीं रहना है, बैठकर कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो कह रहे हैं आपको उनके साथ लड़ना पड़ेगा. ओके, लड़ने का मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको हाथ पैर चलाने हैं, अपने माइंड का यूज़ करना है और उनके साथ आपको लड़कर आगे बढ़ना है. आपको हिम्मत करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड उठाना है अपने लिए, तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी. ओके, और आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी आप जो डरे सहमे से रह रहे हो ऐसा ना करिए, क्योंकि हम आपके साथ है, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप डरिए नहीं. आप अपनी जो आपकी अंदरूनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए.
ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से पास इन जॉय एंड लाइट। ओके, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आप खुश रहेंगे, आपको सभी तरह से एक आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। ओके, और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आती ही चली जाएगी। ओके, तो आपके पूर्वज आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है किसी भी तरह, और डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जिस किसी ने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है, उनको उनके पूर्वजों के लिए करना है। ओके, वो आपको कह रहे हैं, वो आपको ये भी कह रहे हैं गाइस कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में एंजॉय, खुशी, हैप्पीनेस नहीं आएगी, तो आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो आपको जो मैसेज दे रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ। ओके गाइस, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट एंड लाइट आएगी, जॉयफुल रहेंगे आप। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।